सो हे गाइस, देखो ऐसा है कि मई महीना आने वाले हैं और जो मेरे एक दिन बाद वीडियो को देख रहे हो ऑलरेडी मई महीना आ चुका है। तो इसी महीने में आपको देखने को मिलेंगे मिस्टर शॉप का इवेंट, जो कि फ्री फायर गेम में सबसे बेहतरीन डिस्काउंट इवेंट में एक इवेंट है। बजाओ ताली बजा लीजिएगा। पहले तुम सुन लो मिस्टर शॉप इवेंट का कन्फर्म डेट क्या है और मिस्टर शॉप इवेंट इस बार किस तरीके से हमें अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, कौन सा बंडल देखने को मिलेंगे, कौन कौन से आइटम्स देखने को मिलेंगे, जानेंगे हम सब कुछ आज किस वीडियो में। इसी के साथ में गाइस बात करने वाले हैं नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट के बारे में, जिसके अंदर आने वाले गन स्किन को कंफर्म कर दिया गया है और नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट कब आएगा वो भी कंफर्म हो गया है। आज हम दोनों गन स्किन का रिव्यू कराएंगे, कौन कौन से गन स्किन आपको इवो वॉल्ट इवेंट के अंदर नेक्स्ट में देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट रिंग इवेंट के बारे में, कौन कौन से आइटम्स को आप लोगों को नेक्स्ट रिंग इवेंट के अंदर दे दिए जाएंगे, जहां पर आपको इवो बंडल के साथ कुछ और भी आइटम्स देखने को मिलने वाले हैं। देन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे अपने इलेक्ट्रिक शॉक बंडल बैक के बारे में, जो इलेक्ट्रिक शॉक बंडल है इसको अपने गेम के अंदर बैक दिए जाएंगे और आपको यहाँ पर कुछ और भी जबरदस्त अपडेट आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो बस देखते रहो, आपको मैं सारे अपडेट्स इस वीडियो के अंदर कवर करके बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम यहां पर बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट इवो वॉल्ट इवेंट के बारे में, कौन कौन से गन स्किन आपको नेक्स्ट में इवो वॉल्ट इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब देखो आप लोगों को बस एक दिन बाद अपने गेम के अंदर एक न्यू इवो वॉल्ट इवेंट देखने को मिलने वाले है, जो कि होगा एक न्यू रिंग इवेंट। जैसे हमें इसके पहले देखने को मिलते थे, वैसे हमें एक बार और एक न्यू रिंग इवेंट देखने को मिलेगा, जहां पर हमें इवो गन स्किन बैक दिए जाएंगे। फिलहाल आपको अपने गेम के अंदर इवो MP5, इवो थॉमसन, इवो MP40 और साथ में अपना इवो M41, ये चारों गन स्किन देखने को मिला हुआ है। अब इनमें से दो गन स्किन को रिमूव किया जाएगा और दो गन स्किन को रख दिया जाएगा। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियोस के अंदर आपको मैंने यही कहा था कि आप लोगों को दो गन स्किन देखने को मिलेंगे और दोनों गन स्किन को अभी की तरह रख दिया जाएगा। तो दोनों गन स्किन कौन कौन से रहेंगे आपको बेसिकली अपने इवो वर्ल्ड के अंदर नेक्स्ट में, जैसे कि सिंपली रिव्यू आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, इवो M10 ओल्ड वाले इवो M10 को बैक दिया जाएगा, जो कि आपको मैं कल ही बता रहा था कि आप लोग को नेक्स्ट इवो वर्ल्ड के अंदर, मैं अपने ओपिनियन से बता रहा था कि आप लोगों को इवो वर्ल्ड के अंदर जो है ओल्ड इवो M10 को बैक दिया जाएगा। और ओपिनियन तो हमेशा सच होता ही है, आपको पता ही है, आप कुछ भाई लोग तो नहीं मानेंगे। तो जो नहीं मानते हो कल पहले वीडियो को देख लीजिएगा, प्रूफ के साथ आपको मिल जाएगा, अब उसके बाद तुमको विश्वास करना ही पड़ेगा, और जो मानते हो उनको थैंक यू सो मच दिल से। खैर आपको यहाँ पर मैं और गन स्किन की बात करूँ तो इवो थॉमसन देखने को मिलेंगे, इवो M1007 देखने को मिलेंगे, ये भी मैंने अपने ओपिनियन से बताया था कि आपको इवो M1007 नेक्स्ट में बैक देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पर इवो फॉर्मस को दिया जाएगा। अब देखो आपको मैंने ये कहा था कि इवो फॉर्मस के जगह पर शायद आपको इवो इसका 2.0 देखने को मिलेंगे, जो कि न्यू इवो गन होगा, बट यहाँ पर न्यू इवो गन को नहीं दिया जा रहा है, उसके जगह पर इवो फॉर्मस को दिया जा रहा है। सो ये हो गया चारों गन स्किन जो कि आपको नेक्स्ट इवो वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। अब जिनको इनमें से कुछ भी गन स्किन बाय करना है कल आप लोग इसके अंदर स्पिन कर सकते हो इजिली एंड आइटम्स को बाय कर सकते हो। और इसके अंदर रूल्स भी बिल्कुल पहले की तरह सेम रहने वाले हैं, अगर आप लोग को 50 स्पिन करोगे तो आप लोग को एक नया गन स्किन मिल जाएगा, और अगर आप लोग फिर से स्पिन करते हो तो आप लोग को एक गन स्किन दोबारा मिल सकता है, उसके जगह पर आपको इवो गन का टोकन भी दे दिया जाएंगे। तो अभी डिपेंड करता है आपके बार कि आप लोग स्पिन करने वाले हो या फिर नहीं, बट जबकि इवो M10 2.0 का लाया जा रहा है, इवो M1007 को लाया जा रहा है, तो भाई ये इवेंट एक बहुत बढ़िया इवेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें डायमंड करने वाले कुछ ज्यादा ही काटेंगे और आप लोग को शायद से कुछ ज्यादा डायमंड देकर स्पिन करना पड़ेगा, तब जगह आपको ये गन स्किन जो मिलने वाले। बाकी खैर बताना कौन कौन इसके अंदर स्पिन करने वाले हो। अब हम बढ़ते वीडियो में आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पर गाइस अब हम बात करने वाले हैं अपने आने वाले गेम के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक बंडल के बारे में, इसको अपने गेम के अंदर कब बैक दिए जाएंगे और ये हमें जो है किस तरीके से बैक मिलने वाले, मतलब मैं कौन से इवेंट के अंदर में जो ये बैक देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर मैं रिव्यू तो करा दे रहा हूँ, अपने रिंग इवेंट के अंदर अपने इलेक्ट्रिक शॉक बंडल को यहाँ पर बैक दिया गया है। और मजेदार वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक शॉक बंडल है इसको बस सिंगल एक इलेक्ट्रिक शॉक बंडल को अपने रिंग इवेंट के अंदर अवेलेबल कराया गया है, जहां पर कुछ टोकन दिया गया है, या तो आप लोग बंडल को डायरेक्टली स्पिन करके ले सकते हो और सबसे टोकन से भी एक्सचेंज वगैरह कर सकते हो, मतलब स्टोर के अंदर इसको दिया जाएगा। इसका जो प्राइस रखा गया है वो है 225 टोकन। बट आपको बता दूं जो इलेक्ट्रिक शॉक बंडल है ये शायद आपको अपने रिंग इवेंट के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक शॉक बंडल को एक वो इवेंट के अंदर दिया जाएगा। और आपको मैं क्लियर कर दूं एक चीज, ये इलेक्ट्रिक शॉक बंडल कब आएगा, असल में जो एनिवर्सरी इवेंट आपको देखने को मिलेंगे जुलाई महीने पे, उसी जुलाई महीने पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक बंडल भी गेम के अंदर बैक देखने को मिलने वाले, एनिवर्सरी इवेंट स्पेशल। सो एनिवर्सरी इवेंट के थीम पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक बंडल को गेम के अंदर बैक दिए जाएंगे अपने एक न्यू ओवी इवेंट के अंदर। तो आप लोगों को जो ओवी इवेंट देखने को मिलेंगे उसके अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक बंडल मिल जाएगा, बाकी जिनको स्पिन करना है ओवी इवेंट के अंदर बंडल को बाय करना लोग बाय कर लीजिएगा। और हाँ फिलहाल डायमंड वगैरह जमाने का शुरू करने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसके बाद डायमंड को जमा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन 1500 डायमंड खर्च होने वाले हैं अपने इलेक्ट्रिक शॉक बंडल को बाय करने के लिए। इसके साथ अब हम जरा आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है एक न्यू रिंग इवेंट। जैसे कि आप लोग सिंपली यहां पर रिव्यू देख पा रहे हो कौन कौन से आइटम्स को अपने गेम के अंदर दिए जाएंगे इस रिंग इवेंट के अंदर। असल में ये पैराडॉक्स इवेंट के थीम पे एक न्यू रिंग इवेंट आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। फिलहाल ड्रैगन इवेंट चल रहा है, उसको एंड करने के बाद ही अपने गेम के अंदर पैराडॉक्स इवेंट को दिया जाएगा एंड उसी इवेंट के थीम पे आपको ये रिंग इवेंट देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको कुछ इवोल्यूशन बंडल देखने को मिलने वाले। कुछ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर एक ही इवो बंडल का दो कलर देखने को आपको मिलेंगे, जो कि न्यू इवो बंडल होगा, येलो कलर एंड पर्पल कलर, दोनों कलर आपको अलग अलग बाय करने होंगे इस रिंग इवेंट के अंदर से बेसिकली, और दोनों कलर ही आप लोगों को रिंग इवेंट के अंदर स्पिन करके लेना पड़ेगा, और चाहे तुम टोकन से भी एक्सचेंज कर सकते हो। एंड हाँ इसी इवो बंडल के साथ डिजाइन किया गया कुछ और भी आइटम्स को इस मतलब रिंग इवेंट के अंदर एड कर दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ ये दो आइटम्स को लेकर गेम में इवेंट नहीं दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ और भी आइटम्स को दिया जाएगा अपने गेम के अंदर, जो कि रिंग इवेंट के अंदर
आपको देखने को मिलेंगे। सो आप लोग जो है इजिली इसके अंदर स्पिन वगैरह मार सकते हो एंड ये सारे बढ़िया बढ़िया आइटम्स को जो बाई कर सकते हो। अब देखो यार, जबकि आप लोग को न्यू इवो बंडल देखने को मिल रहा है तो आपको मैं साथ में और अपडेट देकर रख दूं। जैसे ही आप लोग को ये न्यू इवो बंडल अपने गेम के अंदर देखने को मिलेगा तो इसके थीम पे अपने न्यू हाइपर बुक को भी डिजाइन किया गया है और वो भी आपको बहुत जल्द अपने गेम के अंदर नजर आ जाएगा। सो जितने सारे भाई लोग ऐसे हो जो कि न्यू इवो बंडल बाई करने वाले हो, आप लोग को नेक्स्ट में रिंग इवेंट के अंदर ये नया इवो बंडल देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ पर मैं रिव्यू भी करा दे रहा हूँ इवो बंडल का, कैसा क्या कुछ आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें डायमंड की, आप लोग को दोनों बंडल अलग अलग कलर वाइज बाई करना पड़ेगा, मतलब एक बंडल को ही दोनों का अलग अलग कलर बाई करना पड़ेगा, तो दोनों के लिए आप लोग को डायमंड खर्च करना पड़ेगा। बट हाँ, बंडल अगर आप लोगों ने एक बार बाई कर लोगे फिर उसके बाद आपको बंडल को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे बाई करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि आप लोग को बंडल के साथ में कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ इफेक्ट आपको फ्री मिलेगा और कुछ इफेक्ट बाई करना पड़ेगा, जैसे कि डुओ इमोट हो गया, लीड इमोट हो गया, या फिर तुम ऐसे कह लो बंडल का जो मेडिकेट मारने का इफेक्ट हो गया, फिर तुम ऐसे कह लो बंडल के अंदर हमें जो जंप करने वाला इफेक्ट देखने को मिलता है, घर के खिड़की से कूदने वाला इफेक्ट देखने को मिलता है, ये सारी चीजें तुमको कुछ कुछ फ्री में मिलेंगे और कुछ इफेक्ट आपको बाई करना पड़ेगा डायमंड देकर। ठीक है, तो ये हो गया पूरा किस्सा अपने न्यू इवो बंडल का। तो बाकी जो भी इसको परचेस करने वाले हो नेक्स्ट रिंग इवेंट के अंदर ये बैक आने वाले, सॉरी बैक नहीं, फर्स्ट टाइम आने वाले, इसको लोग जो बैक बाई कर सकते हो बेसिकली। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट रिंग इवेंट का कंफर्म डेट क्या कुछ दिया जाएगा, तो भाई देखो डेट तो फिलहाल कंफर्म नहीं किया गया है, पहले ड्रैगन इवेंट को खत्म किया जाएगा, ड्रैगन इवेंट एंड होगा उसके बाद ही अपने गेम के अंदर आपको पैराडॉक्स का इवेंट देखने को मिलेगा, देन आप लोग को ये इवो बंडल का जो रिंग इवेंट है वो भी जो आप लोग को नजर आ जाएगा। तो इसके साथ में गाइस अब हम जरा आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं नेक्स्ट डिस्काउंट इवेंट के बारे में, या फिर तुम्हें हेलो नेक्स्ट मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में। तो बेसिकली गाइस को आप लोग को बहुत टाइम से अपने गेम के अंदर कुछ डिस्काउंट इवेंट देखने को नहीं मिला है, और इसके पीछे कारण यह है कि आप लोग को ऑलरेडी अप्रैल महीने पे एक डिस्काउंट इवेंट देखने को मिल गया था, जो कि था मिस्ट्री शॉप और अभी रमादान स्पेशल। अब यहाँ पर गाइस कुछ मिस्ट्री शॉप का लीक और अपडेट मिल चुका है ऑलरेडी, असल में कुछ टाइम बाद ही आपको अपने गेम के अंदर समर इवेंट देखने को मिलेंगे, बहुत टाइम बाद करने वाले इस बार फाइनली अपने गेम में हमें जो है समर इवेंट देने वाले हैं। विंटर इवेंट देखने को मिलता है, क्रिसमस इवेंट देखने को मिलता है, बट जो समर इवेंट है ये कभी आता नहीं है, लेकिन इस बार आपको समर इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे और भी बहुत बड़ा तरीके से, क्योंकि समर इवेंट स्पेशल। इस बार बहुत सारे आइटम्स को तैयार किया गया है, उनमें दो बंडल काफी कमाल का है, जिन दोनों बंडल को लेकर एक मिस्ट्री शॉप का ऊपर गर्नवलों ने अपडेट दिया है, एक मिस्ट्री शॉप को ऑलरेडी दे दिया है, मतलब एक मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में अपडेट मिला है जो कि समर स्पेशल है, जिसका बैनर सिंबल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो एक मेल बंडल यहाँ पर दिया गया है और फीमेल बंडल यहाँ पर दिया गया है, जो कि आपको मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिलता है। तो भाई देखो पॉसिबल चांस बहुत 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 ज्यादा है कि आप लोग को समर इवेंट स्पेशल अपने गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप का इवेंट देखने को मिलेंगे, और अभी नेक्स्ट मई महीने पे ही। अब देखो मई महीने पे सबसे पहले आपको अपने गेम के अंदर पैराडॉक्स का इवेंट देखने को मिलेंगे, तो पहली बात यह हो जाए कि आप लोग को शायद से पैराडॉक्स इवेंट स्पेशल अपने गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर पैराडॉक्स इवेंट स्पेशल मिस्ट्री शॉप नहीं आता है फिर जैसे ही अपना गेम के अंदर हमें समर इवेंट देखने को मिलेंगे उसके थीम पे आपको अपने गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप का इवेंट देखने को मिल जाएगा। बट ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि आप लोग को एक नए मिस्ट्री शॉप का इवेंट बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं, या तो समर इवेंट के थीम पे या फिर पैराडॉक्स इवेंट के थीम पे। बट हाँ, पैराडॉक्स इवेंट के थीम पे अभी तक कुछ बंडल वगैरह तैयार नहीं किया गया है, इसलिए कौन सा बंडल मिस्ट्री शॉप के अंदर आएगा यह अभी तक किसी को पता नहीं है। बट जैसे ही अपने गेम के अंदर हमें मिस्ट्री शॉप का इवेंट देखने को मिलेगा तो हमें समर इवेंट के देखने को मिलेगा, ये तो मेरी ओपिनियन है। तो आप लोग सुन के रख लो मेरी बातों को, कि मेरा जो ओपिनियन है वही कहता है कि आपको समर इवेंट स्पेशल ही गेम के अंदर मिस्ट्री शॉप देखने को मिल सकता है। और अगर करना ये सोचते हैं कि नहीं हम समर इवेंट से पहले देंगे तो किसी भी आधार इवेंट के थीम पे हमें मिस्ट्री शॉप गेम के अंदर देखने को मिल जा सकता है। तो ये हो गया अपडेट अपने मिस्ट्री शॉप इवेंट के बारे में। जितने सारे भाई लोग वेट कर रहे हो थोड़ा सा और वेट कीजिए, इसी मई महीने पे, यानी कि जो मेरे वीडियो को मई महीने पे देख रहे हो आप लोग को इसी महीने पे गेम के अंदर देखने को मिलेंगे अपना मिस्ट्री शॉप का इवेंट। खैर इसके साथ मेरा वीडियो आज कहीं तक था, बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं हर दिन की तरह कल शाम को और एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।